सदन के एक सम्मानित सदस्य श्री केसी चंद्रशेखर राव अनशन के कारण बहुत अस्वस्थ हो गए हैं। हम सब उनको उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और मेरे ख्याल से पूरे सदन की ये कामना है कि वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें। और मैं प्रतिपक्ष कुछ कहना चाहते हैं इस विषय में। पहले लीडर ऑफ अपोजिशन पर बोलना चाहते हैं। महोदया, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया अपने इस विचार के साथ अपने को संबद्ध करने का, क्योंकि वे सम्माननीय सदस्य हैं हमारे सदन के, श्री चंद्रशेखर राव टीआरएस के अध्यक्ष, और आज उनका अनशन का 10वां दिन है। हर सूचना से लगता है कि उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुकी है। दूसरे सदन के मेरे सहयोगी वेंकैया जी उनसे कल शाम को ही मिले थे और तब उनकी जो स्थिति देखी उसके कारण मन में बहुत चिंता हुई, और मुझे खुशी है कि आपने पूरे सदन की ओर उस चिंता को व्यक्त किया अभी। और मैं समझता हूँ कि इस मामले में जो बात दो दिन पहले सुषमा जी ने इस सदन में कही थी उनके अनशन को रेफर करते हुए, तेलंगाना के मांग का पूरा समर्थन जिस प्रकार का सब जगह से हो रहा है, दोनों सदनों में भी हुआ है, मैं समझता हूं कि उसमें सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। और मैं आपके साथ जुड़ करके उनसे अनुरोध करता हूं कि हमारे लिए तेलंगाना महत्वपूर्ण है, उनका जीवन भी महत्वपूर्ण है, इस कारण वे अपना अनशन समाप्त करें तो हमको राहत होगी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद। Honorable Minister wanted to say something. I only join all the other members in expressing our concern for the health of our esteemed colleague, and we all wish him good health and long life, ma'am. But I wanted to say something else. I'll say it later. Madam, I have given a notice, madam. Honorable Minister, yes. I'm not speaking. In view of the business that we have today, ma'am, we may kindly skip the lunch hour today. Yes. Does the House agree to skipping the lunch hour? And also, hour? Ma'am, lay on the table the, yes, the mention you. Under 377. Yes. Sir. Yes. One minute. 1 minute. Wo Minister Saab kuch kehna chah rahe. Madam, I am not speaking in my capacity as a minister. I am speaking in my capacity as a member of Parliament from Andhra Pradesh. Without expressing any view on the issue of Telangana, I believe that the question of breaking of fast of Chandrashekhar Rao has assumed very keen urgency. I would like to request him, appeal to him to this forum to give up the fast so that the issue can be looked at by all concerned. शरद यादव। अध्यक्ष जी, मैं आपके, अडवाणी जी के और सभी सदन के माननीय सदस्यों ने जो बात कही है, तेलंगाना में जो चिंता है हम लोगों की, इस सदन के मेंबर भी हैं, यहाँ भारत सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उनका ही स्वास्थ्य नहीं, वहाँ विस्फोटक स्थिति है। और मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो सवाल पूरी तरह से बिगड़ने वाले हैं, बुरी हालत होने वाली है, समय पर 10 दिन हो रहे हैं, यदि हम लोग पहले इसमें पहल किए होते, सुषमा जी ने सवाल उठाया था, यदि हम उसके पहले पहल किए होते तो चीज़ों के समाधान का रास्ता बेहतर हो सकता था। उस पूरे की जो हालत है, एक तरह से ऐसी हालत है जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, और हालत विस्फोटक है। और जब पूरी तरह से
विस्फोट के द्वार पर है तब हम इसके समाधान का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये देश के लिए और उस इलाके के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को तत्काल इस पर पहल करके, इस पर नेगोशिएट करके रास्ता निकालना चाहिए और ऐसी स्थितियों को आने वाले समय में समय के रहते उसको ठीक से समाधान उनका करना चाहिए। यही हमारे पुराने इतिहास का सबक है। धन्यवाद। श्री गुरदास दास गुप्ता। मैडम आई एम मैडम द पॉइंट इज इट हैज बीन रेज्ड ऑलरेडी इन द हाउस द पॉइंट इज देयर इज अ सीरियस वोलेटाइल सिचुएशन There is a serious volatile situation in the Telangana of Andhra. Nearly 10 districts are in agitation. Schools and colleges are closed. Transport is disrupted. Normal life has been crippled. And you know that the demand is for a separate state known as Telangana. I rise to support this demand for the formation of a separate state of Telangana. I support it. Madam, point is there has been cases of suicide. Even a policeman has committed suicide yesterday night and there is serious sign of discontent in the law enforcement machinery of the state. Yesterday, day before yesterday, there was an all party. Let me finish. I beg you. I beg you, please. Whether you are in favor of Gorkhaland state or not. Madam, let me complete. Let me complete. I am on a... Madam, is this the situation? Madam, the point is... Honorable members are at the moment... Madam, the point is... Yes, Gurdas Das Gupta ji, honorable members are showing concern for the health of Shri Chandrasekhar Rao, and during madam, this, we just confine ourselves there was to a, there his was health. A, yes. Madam, there yes. was an all-party meeting. Yes. There was an all-party meeting yes. in Andhra. Let's talk about his speedy recovery and how we should have that. But the government did not come clean. I am suggesting that the Prime Minister takes immediate initiative for calling an all-party meeting at the national level to find a solution, to find out a solution. Okay. All right. Thank you, I believe, Shri Mulayam Singh Ji. Madam, I believe that the hunger strike of an honourable member of the House is only a reflection of the seething discontent among the people Thank you so of much. A section of Shri Mulayam Singh Yadav. Adhyatma Hoda, Mani Neta Vidal Ne. एक गंभीर सवाल उठाया है वो अन्य नेताओं ने भी उस बात का समर्थन किया है। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना अलग बात है। शांत हो जाइए। विभाजन हो न हो वो अलग है। इस बार सवाल है कि चंद्रशेखर राव की जान है इसलिए उनकी जान के खतरे को बचाने के लिए सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे और दस दिन हो जाए सरकार हस्तक्षेप न करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बातचीत के द्वारा चंद्रशेखर राव जी भी अपना आसन तोड़ सकते थे जो मेरी खबर है। लेकिन सरकार की तब तक कोई पहले ही नीति आ रही इसलिए उनकी हालत वास्तव में गंभीर है। गंभीर हालत को देखते हुए उनसे बातचीत करें और सरकार किससे उनकी बात को सुनकर या किसी संतुष्ट करके हस्तक्षेप करके उनकी जान को बचाने के अपने प्रयास करें ये अनुरोध है हमारी सरकार। श्री अनंत की थे के सदस्य चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मामले पर अनशन पर है और उनके दिन ब दिन जो प्राकृतिक स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। उनके जान को खतरा इसलिए आपने भी इस आसन से चिंता जताई। विपक्ष के नेता ने भी उसमें अपनी सहमति दिखाई और का हर नेता निश्चित रूप में इस संदर्भ में अपनी सहमति ही यहाँ पर जताएगा। मैं आपके माध्यम से यही चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री तुरंत इसमें हस्तक्षेप करे। तेलंगाना जो इश्यू है उस पर निश्चित रूप में बहस हो सकती है लेकिन इस सदन का एक सदस्य जब अनशन पर बैठे हैं आज 10 दिन हो चुके हैं और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है
तो सरकार का ये कर्तव्य बनता है और सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री तुरंत हस्तक्षेप करे और उनको हंसा मुक्त कराने के लिए प्रधानमंत्री प्रयास करे। सदन के माध्यम से हम भी यही प्रार्थना उनसे करेंगे कि वो अनशन से मुक्त हो, पहले हमें उनको बचाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। सीटीआर बालू। मैडम स्पीकर, आई होल हार्टेडली एक्सप्रेस द सेंटीमेंट्स, सपोर्ट द सेंटीमेंट्स एक्सप्रेस बाय द अदर मेंबर्स एंड चंद्रशेखर राव वाज माय कलीग इन यूपीए 1 एंड इवन इन यूपीए was going on demanding that separate Telangana, but at the same time that issues is we can discuss separately. At the same time, his health is more important, and wholeheartedly request the Honourable Speaker and the Government of India to interfere to see that is ending his hunger immediately without any delay, so that his life can be saved and law and order will be saved. Thank you. Srinama Nageshwar Rao. Thank you, Madam Speaker. Chandrasekhar ji, Rao ji ka health bahut down hua hai since last 10 days. Hum log uske health ka bar mein chintit vyakt karte hue turant uska liye ek rasta nikalna chahiye. एंड द सेम टाइम लॉट ऑफ एजिटेशंस का वजह से काफ़ी लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज डैमेजेस हो रहा है, उसके लिए भी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करना चाहिए। सेम टाइम मेनली द चिल्ड्रंस एंड ऑल द यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस ये सब क्लोज किया है, उसका वजह से काफ़ी चिल्ड्रंस का ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। ये सब लैंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हुए ये सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट रास्ता निकालना चाहिए। थैंक यू। श्री रामचंद्र डोम। थैंक यू मैडम स्पीकर। फ्रॉम आवर पार्टी माई सेल्फ ऑल्सो एक्सप्रेस सीरियस कॉन्सर्न अबाउट द डिटोरेटिंग हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर एक्सट्रीम कॉलीग श्री चंद्रशेखर राव जी। मैडम द सिचुएशन देयर इज रियली वोलेटाइल, दो आवर पार्टी पोजिशन इज different from the others, but that is not the time to discuss and express our opinion. We are highly concerned about the deteriorating situation of our esteemed colleague. So through you and in this august house, I appeal to Mr. Rao to break his fast and simultaneously ask the government to take up for discussion, a fruitful negotiation, and at the table of negotiation this can be solved. Otherwise the law and order situation in that region is going down and serious volatile situation has cropped up. So madam, again I urge upon through you to the government and to the august house to an appeal to